Please subscribe the channel for more related videos. वेलकम फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था सीएनसी टर्निंग ऑपरेशन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सीएनसी मशीन पर ड्रिलिंग ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ड्रिलिंग ऑपरेशन कौन सी मशीन पर परफॉर्म किया जाएगा। आप इसे टर्निंग मशीन पर भी परफॉर्म कर सकते हैं और आप इसे मिलिंग मशीन पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो मैं आपको सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा मिलिंग ऑपरेशन के थ्रू कि मिलिंग मशीन पर हम ड्रिलिंग ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि मिलिंग मशीन की वर्किंग किस तरीके से होती है। सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ टर्निंग मशीन का कि टर्निंग मशीन में टूल किस तरीके से मूव करता था। टर्निंग मशीन में हमारे पास ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का होता था और यहां से टूल हमारा मूव करता था। तो टूल के पास दो एक्सिस होती थी, एक ये वाली जो एक्सिस होती थी हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो मूव कर रही है ये हमारी जेड होती थी, और इसके बाद जो टूल ऊपर नीचे जा रहा होता था तो ये हमारी एक्सिस होती थी। बट जो हमारी मिलिंग मशीन है, मिलिंग मशीन में ऐसा नहीं होता। मिलिंग मशीन में हमारे पास तीन एक्सिस होती है, एक होती है एक्स, एक होती है वाई और एक होती है जेड। अब वो एक्सेस किस किस तरीके से होती हैं और क्या क्या शो करती हैं, चलिए देख लेते हैं। तो मिलिंग मशीन में हमारे पास तीन एक्सेस होती हैं। वो तीन एक्सेस क्या क्या चीजें डिफाइन करती हैं? तीन एक्सेस डिफाइन करती हैं आपके मूवमेंट को। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है लाइक दिस, तो इसमें हमारा जो है यहाँ पर इस एक्सेस के यहाँ पर इस जगह पर हमारा जो है एक्स और वाई की वैल्यू जीरो होगी। ये वाली जो एक्सेस है, ये वाली ये हमारी एक्स को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली एक्सिस जो है हमारी वाई को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है मिलिंग मशीन में कुछ इस तरीके से रखा होता है लाइक दिस, ओके। जैसे कि अभी आप फ्रंट से देख पा रहे हो, अगर आपको ये ऑब्जेक्ट देखना तो आपको टॉप से देखना होगा। तो टॉप से देखने पर ये वाली जो एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल वाली, ये हमारे एक्स को रिप्रेजेंट करती है, और ये वाली जो एक्सिस होती है ये हमारे वाई को रिप्रेजेंट करती है मिलिंग मशीन में। और इसके बाद जो जेड एक्सिस होती है वो होती है टूल के मूवमेंट की एक्सिस, यानी कि जो टूल है वो हमारा अप एंड डाउन मूवमेंट जो होता है वो हमारा जेड से शो होता है। यानी कि मिलिंग मशीन में जो हमारा टूल का मूवमेंट है वो जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट होगा। इसी तरीके से जो टर्निंग मशीन थी उसमें भी हमारा जेड का फॉरवर्ड और जो मोशन था वो भी हमारा Z से ही रिप्रेजेंट होता था। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये एक बैग पर रखी हुई होती है। एक बैग क्या होता है? क्लैंप होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसका हमें मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ मिलिंग मशीन। तो उसमें होता क्या है, कुछ जॉज होती है लाइक इस तरीके की कोई जॉज होती है जो कि ऑब्जेक्ट को क्लैंप करती है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं और जैसे ही जॉज को क्लोज करने की कमांड टाइप करते हैं तो इसको क्लोज कर लेता है, ग्रिप कर लेता है लाइक दिस। अब देख लेते हैं कि जो टूल का मूवमेंट है वो कहाँ पर जीरो होगा। तो जी कोऑर्डिनेट जो होते हैं यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट एक्स के भी जीरो होते हैं, वाई के भी जीरो होते हैं और जेड के भी जीरो होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टूल हमारा यहाँ पर है, अगर आपका टूल इस पोजीशन पर है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जेड की पोजीशन भी जीरो है, एक्स की पोजीशन भी जीरो है और वाई की पोजीशन भी जीरो है। अगर टूल थोड़ा ऊपर जाएगा तो इसका मतलब वो Z पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अगर टूल ऊपर की तरफ जाएगा, इस ऑब्जेक्ट से दूर जाएगा तो वो पॉजिटिव में जाएगा, और ऑब्जेक्ट के नीचे की साइड डायरेक्शन में जाएगा तो वो नेगेटिव में जाएगा। इसके अलावा टूल अगर इधर मूव करेगा, इस साइड इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो X की पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, इस साइड में मूव करेगा तो X की नेगेटिव डायरेक्शन होगी। अगर टूल हमारा यहाँ से इस पीछे की डायरेक्शन में जा रहा है तो वो हमारी Y की पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, और इस साइड आ रहा है तो वो हमारी नेगेटिव डायरेक्शन होगी। तो ये है हमारा टूल का मूवमेंट। इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूँ तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा लाइक दिस। तो ये जो एक्सिस होती है यहाँ पर ये हमारा टूल के कोऑर्डिनेट को दिखाती है। यहाँ पर जीरो जीरो होगा, किसकी वैल्यू, यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी जीरो होगी, वाई की वैल्यू भी जीरो होगी। और अगर टूल हमारा यहाँ पर टच है, इस ऑब्जेक्ट से टच है, तो इसका मतलब वहाँ पर जेड की वैल्यू भी जीरो होगी। और अगर टूल हमारा इस ऑब्जेक्ट से थोड़ा दूर जा रहा है लाइक दिस, इस ऑब्जेक्ट से दूर जाएगा यानी ऊपर की तरफ, यानी कि इस ऑब्जेक्ट से ऊपर की तरफ दूर जाएगा तो वो जेड की पॉजिटिव वैल्यू होगी। और अगर वो टूल के अंदर जा रहा है, क्योंकि जब मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो टूल इसको ये रोटेट हो रहा होगा लाइक दिस, तो ये रोटेट हो रहा होगा, रोटेट होते होते ये इसके अंदर घुसना शुरू हो जाएगा, यानी इसके अंदर मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो ये जितना इसके अंदर जाता रहता है उतना ही वो नेगेटिव में फीड ली जाती है, यानी उतना ही वो जेड नेगेटिव में जा रहा है, क्लियर। अगर वो सिर्फ इस पर टच है तो इसका मतलब जेड की पोजीशन जीरो है, यानी जेड के कोऑर्डिनेट जीरो है। अगर वो पॉजिटिव में वैल्यू डाल रहे हैं हम जेड की, तो वो थोड़ा दूर जाएगा इससे, और अगर हम नेगेटिव में डाल रहे हैं तो वो अंदर की तरफ जाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीएनसी मिलिंग ऑपरेशन का प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे कंपोनेंट को।
तो जो हमें कंपोनेंट दिया था वो कुछ इस तरीके का था। ये एक प्लेट है जिसकी थिकनेस हमारी यहाँ पर 15 mm दी हुई है। इस प्लेट की थिकनेस हमारी यहाँ पर है, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। और जब हम टॉप से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगी, यानी ये प्लेट कुछ इस तरीके से रखी हुई है। ये वाली डिस्टेंस ये इसको शो कर रही है, और ये वाली डिस्टेंस ये जो यहाँ से मूवमेंट होगा उसका, ये वाली डिस्टेंस को शो कर रही है। और जो उसकी थिकनेस है वो हमारी 15 mm है। तो हमें जहाँ पर ड्रिल करने हैं उसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं। एक ड्रिल हमें यहाँ करना है, सेकेंड यहाँ करना है, और थर्ड यहाँ करना है। इसके बाद जब हम इस ऑब्जेक्ट को जो हम जिस पर हमें ये ड्रिल करनी है उस ऑब्जेक्ट को जब हम क्लैंप के अंदर रखेंगे तो उसको होल्ड कर लेगी। होल्ड करने के बाद जो उसकी एक्सिस होगी सीएनसी मशीन की, वो एक्सिस बिल्कुल इस प्लेट के साथ कोइंसाइड कर जाएगी। यानी यहाँ पर उस मशीन के कोऑर्डिनेट होंगे 0 0, और यहीं पर हमारे जो है ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट यानी इस प्लेट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 0। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर एक्सटेंड करके यहाँ पर एक्स लिख दिया है क्योंकि हमारी एक्स एक्सिस को शो करेगा, और यहाँ पर मैंने वाई लिख दिया है क्योंकि हमारी वाई एक्सिस को शो करेगा, और जेड एक्सिस होगी आपके टूल के मूवमेंट की। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये टूल, ये हमारा टूल है और ये टूल की टिप है, तो वो हमारे ऑब्जेक्ट को अगर टच कर रही होगी तो टूल के यानी जेड के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, जेड के कोऑर्डिनेट 0 होंगे। अगर टूल हमारा इस ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा होगा यानी ऊपर की तरफ जा रहा होगा, यानी ये ऑब्जेक्ट को अगर टच है तो हमारे कोऑर्डिनेट टूल के 0 होंगे, यानी कि हमारा जो जेड की पोजीशन है वो 0 होगी। अगर टूल इससे दूर जा रहा है तो ये हमारे पॉजिटिव में लिया जाएगा जेड की वैल्यू, अगर टूल इसके ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहा है तो वो हमारी वैल्यू ली जाएगी यहाँ पर नेगेटिव में। तो चलिए अब देख लेते हैं कि प्रोग्राम के मीनिंग क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो इनिशियल की लाइन लिखी है G21 एंड G90। G21 मैंने आपको पहले भी टर्निंग मशीन में बताया था, G21 हमारा मैट्रिक डेटा इनपुट के लिए होता है, यानी जो भी डायमेंशन हम लेंगे वो मैट्रिक फॉर्म में होगी। और G90 होता है हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के लिए, यानी कि जो भी हम वैल्यूज लेंगे वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट से लेंगे। जैसे कि हमारी यहाँ पर एक्स वाई और जेड की वैल्यू 0 0 होगी इस कोऑर्डिनेट पर, तो जो भी हम यहाँ पर वैल्यूज फीड करेंगे एक्स वाई और जेड की वो यहीं से मेजर होगी। इसके बाद हमने लाइन यूज की है G28 X0 Y0 Z0। याद रखिएगा ये हमने टर्निंग मशीन पे भी यूज किया था कि G28 U0 W0, वहां पर ग्लोबल कोऑर्डिनेट U0 W0 थे। लेकिन ये याद रखिएगा अगर हम यहां पर लिख देते हैं G28, इसका मतलब ये होता है कि टूल गोइंग होम पोजीशन, और इसके आगे जो भी वैल्यूज आप लिखोगे वो ग्लोबल कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगी। तो यहां पर अगर हमने लिखा है G28 X0 Y0 एंड Z0, इसका मतलब जो टूल की होम पोजीशन होगी वो वहां पर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल टूल अगर ऑब्जेक्ट से टच था, अगर कोई प्रीवियस ऑपरेशन में वो ऑब्जेक्ट से टच था और अचानक से आपने मशीन बंद कर दी, और अब जब दूसरा वर्कर न्यू प्रोग्राम लोड करेगा तो सबसे पहले जब वो मशीन ये कोड को रन करेगी तो तुरंत से वो टूल जो है अपनी होम पोजीशन पर चला जाएगा ताकि वो डैमेज से बच जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है G00, वो हमने कोऑर्डिनेट लिखे X0 Y0 एंड Z10। इसका मतलब ये है कि जो हमारा टूल है वो X0 पर आ जाएगा, Y0 पर आ जाएगा, लेकिन Z की 10 पोजीशन पर आ जाएगा। वो ऑब्जेक्ट से टच नहीं रहेगा बल्कि ऑब्जेक्ट से थोड़ा ऊपर रहेगा, और उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो हमारी 10 mm होगी। यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, X की पोजीशन यहाँ 0 पर है, Y की पोजीशन यहाँ पर 0 पर है, लेकिन टूल ऑब्जेक्ट से टच नहीं है बल्कि थोड़ा सा पीछे की तरफ है यहाँ पर। अब G00 X25 Y40 का मतलब क्या है? पहले टूल इससे पिछली वाली लाइन में टूल जो है हमारा यहाँ पर था, बट जैसे हम G00 X25 Y40 लिखेंगे यानी कि टूल हमारा X25 और Y40 कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच जाएगा। यानी कि टूल हमारा यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक X की वैल्यू है, ये 25 है, और Y की वैल्यू कितनी है 40 है, तो टूल हमारा यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो वो हमने यहाँ पर कर दिया है। अब वो टूल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, कोई मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, बट जब टूल अंदर की तरफ जाएगा रोटेट करता हुआ ये अंदर की तरफ जाएगा तो ये यहाँ पर मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यानी ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जो नेक्स्ट लाइन है वहां पर हमने लिखा है M03 का मतलब होता है कि जिस पर टूल यानी टूल होल्डर जिस पर टूल हमारा लगा हुआ है, ड्रिल बिट हमारी लगी हुई है, वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। और उसकी रोटेशन स्पीड कितनी होगी वो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 1400, तो जो कि जैसे कि हमें यहाँ क्वेश्चन में दी हुई थी स्पिंडल स्पीड, तो हमने यहाँ पर लिख दी है। इसके बाद हमने एक और कमांड यूज किया इसी लाइन में, वो है हमारा M08 होता है हमारा कूलेंट को स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद हम यहाँ पर कोड यूज करेंगे G01। याद रखिएगा G01 का मतलब है हमारा लीनियर इंटरपोलेशन, जो कि कट इन के दौरान होती है, यानी मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा उस टाइम पर, इसलिए हमने यहाँ पर लिया और यहाँ पर जेड की वैल्यू लिखी Z-18। अब जो टूल का अपर सरफेस है, टूल अगर उसे टच करेगा तो जेड के कोऑर्डिनेट कितने होंगे 0, बट टूल की थिकनेस कितनी है 15। अगर वो -15 लिखेंगे Z की वैल्यू, यानी कि -15 लिखेंगे, तो वो कट इन करता हुआ ये अंदर चला गया है। बट हम थोड़ा और नीचे तक मूव करते हैं ताकि हमारा मटेरियल अच्छे से रिमूव हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू ली है Z-18। इसका मतलब ये है कि जब टूल कटिंग करता हुआ यहाँ से इस वाले कोऑर्डिनेट पर है, टूल कटिंग करता हुआ यहाँ तक जाएगा तो वो कुछ नीचे की डिस्टेंस तक जाएगा, यानी कि यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 18 हो गई, बट ये 3 mm और एक्स्ट्रा नीचे तक जाएगा 3 mm।
ये 3 mm और एक्स्ट्रा नीचे तक जाएगा टूल हमारा और कटिंग ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हो जाएगा अच्छे से। इसके साथ साथ हम लिखेंगे F150 जो कि हमें फीड हमें दी हुई थी कि टूल किस स्पीड से मूव करेगा, तो उसके लिए हमें फीड यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई थी तो वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। अब वापस से टूल को जो टूल यहाँ पर अंदर की तरफ गया है स्प्लिट के अंदर जो उसने होल करेगा तो वो पोजिशन भी हमने यहाँ पर लिख दी है। नेक्स्ट लाइन में हमने फिर से G01 लिखा और जेड की वैल्यू 5 लिखी, क्यों? क्योंकि जब टूल अंदर की तरफ गया है वापस मशीनिंग करता हुआ, जब ये वापस ऊपर आएगा तब भी हमें इसको स्लोली स्लोली मूव कराना है, क्योंकि जब ऊपर जा रहा होगा तब भी वो थोड़ा सा मटेरियल को टच कर रहा होता है, इसलिए अगेन हमने फिर से वही कमांड ली ताकि टूल हमारा स्लोली मूव करे और विद फीड मूव करे और कहां तक जाए, जेड की 5 पोजिशन तक। अब ये टूल यहां अंदर तक गया हुआ है, वापस जाएगा ऊपर ऊपर ऊपर, जैसे ही अपर सरफेस पे तक पहुंचेगा जेड की वैल्यू कितनी हो गई 0, बट अगेन वो ऊपर तक जाएगा 5 डिस्टेंस ऊपर तक, तो इसलिए हमने यहां पर 5 लिखा है। देन नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या है, G00X60Y25। अब क्या है G00, अब टूल हमारा यहाँ पर था, यहाँ से जब वो यहाँ जाएगा तो मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ड्रिल करना है और ड्रिल करने के लिए वो जब अंदर की तरफ मूव करेगा तब वो हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ G00 लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा। ये सपोज फॉर एग्जाम्पल ये पोजिशन अगर हमारी ए थी और ये यहाँ पर बी थी, तो ये ए से बी तक जाने में कोई मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, बट जब टूल यहाँ पर पहुंच जाएगा और अंदर की तरफ मूव करेगा यानी ड्रिलिंग करेगा तभी हमारा मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो नेक्स्ट लाइन में हमने वही कोड लिखे हैं G01, याद रखिएगा G01 मतलब अब लीनियरली मूव करेगा और मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए मूव करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर एफ की वैल्यू दी है 150 और कितना मूव करेगा वो जेड की वैल्यू -18 तक मूव करेगा। अगेन जब टूल हमारा यहाँ पहुंच गया होगा तो वो यहाँ से मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये हमारा टूल है तो ये नीचे तक जाएगा 18 वैल्यू तक, यहाँ तक प्लेट की जो थिकनेस है, ये वाली जो थिकनेस है प्लेट की वो 15 mm है, लेकिन हम टूल को थोड़ा और नीचे तक मूव कर रहे हैं, ये डिस्टेंस कितनी है हमारी 3 mm, क्यों? क्योंकि टूल थोड़ा और नीचे तक जाएगा तो मशीनिंग अच्छे से परफॉर्म हो जाएगी। इसके बाद जब टूल वापस से ऊपर की तरफ आएगा तभी वो ऑब्जेक्ट को टच करता हुआ जाएगा, इसलिए हम अगेन फिर से वही कमांड यूज करेंगे G01Z5Feed150, यानी कि जब टूल ऊपर की तरफ आएगा तो मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता हुआ आएगा। देन अब टूल को हमें यहां से यहां पहुंचाना है यानी सी पोजीशन पर पहुंचाना है, तो उसके लिए जब टूल बी से सी तक जाएगा तब भी वो कोई मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए हम अगेन फिर से G00 कोड यूज कर सकते हैं। G00 क्या होता है, रैपिड ट्रेवल ऑफ टूल, यानी टूल बहुत तेजी से मूव करेगा, कहां से कहां तक जाएगा, x की 28 वैल्यू तक और y की 75 वैल्यू तक, तो वो यहां कोऑर्डिनेट पर पहुंच जाएगा। अब जब टूल हमारा अंदर की तरफ मूव करेगा फिर से वो ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो हमने फिर से वही कमांड लिख दी है G01 and feed 150 और z की कितनी वैल्यू तक, अगेन 18 वैल्यू तक, जैसे यहां पर 18 वैल्यू तक लेकर आए थे उसी तरीके से ये अगेन 18 वैल्यू तक। वापस जब ऊपर की तरफ टूल को लेकर आएंगे तो फिर से हमारा G01 Z5 F150 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में अब हमारा सारे ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो गए हैं तो हम टूल को होम पोजीशन पर भेज सकते हैं या फिर उसको सेफ पोजीशन पर भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में जो हमने कोड यूज किए हैं वो G00X0Y0Z10, यानी कि टूल हमारे एक्स की जीरो वैल्यू पर आ जाएगा, y की 0 वैल्यू पर आ जाएगा, लेकिन z की 10 वैल्यू पर, यानी कि इस ऑब्जेक्ट से 10 mm की ऊंचाई पर आ जाएगा। और इस पोजीशन पर लाने के बाद हमने कोड यूज किया M09 का मतलब होता है जो हमारा कूलेंट है वो हमारा ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर हमने कूलेंट को ऑन किया था मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म होने से पहले और मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद हम कूलेंट को ऑफ कर देंगे। इसके बाद हमने कोड यूज किया G28 X0 Y0 Z0, यानी कि जो हमारा टूल है वो अब अपनी होम पोजीशन पर चला जाए, ये G28 का मतलब है होम पोजीशन पर चला जाएगा। और हमने M05 यूज किया, यानी जो हमारा ऐसा टूल था जो रोटेट कर रहा था वो अब रोटेट करना बंद कर देगा। और इसके बाद हम M30 लिखेंगे, M30 का मतलब होता है कि प्रोग्राम हमारा एंड हो चुका है, मशीन जो है हमारी स्टॉप हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़।